देखो छात्रों, मैंने धारा के चुंबकीय प्रभाव में लास्ट क्लास में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल को बताया था। आज मैं आपको एक धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल निकालता ठीक। इसको निकालने के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए, मैंने मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक धारावाही चालक तार एक, ये मैंने लिया है धारावाही चालक तार ले लिया ठीक, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इसकी चुंबकीय क्षेत्र में लंबाई कितनी है L के बराबर ठीक है। तो इसके ऊपर एक बल लगता है, इस बल को F इक्वल टू F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं ठीक। तो लॉरेंज के अनुसार यदि धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जावे तो उस पर लगने वाले बल का परिणाम। यदि एक धारावाहिक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, ये चुंबकीय क्षेत्र की धारा यहाँ प्रवाहित होती है तो बल ऊपर पेट लगता है। मैं नेक्स्ट पेज में फिर से इसको बता दे रहा हूं। ये मैंने यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र भी लिया हुआ है। इस चुंबकीय क्षेत्र भी में एक चालक तार में ये ले लिया है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इसकी लंबाई L है ठीक। तो इसके ऊपर जो बल F लगता है, F इक्वल टू I L क्रॉस B के मान के बराबर होता है। इसको लॉरेंज ने ये बता दिया कि लगने वाला बल F बराबर होता है I L B sin theta। इतना बल लगता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो I अदिश राशि है, इसको कॉमन निकाल लीजिए, ये दो वेक्टर राशि के गुणनफल के बराबर है तो L क्रॉस B के मान के बराबर आ जाता है। इतना न्यूटन का बल इसके ऊपर लगता है ठीक है। अब इसकी दिशा दिख
फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का मियां है ना। अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ले लें तो उसके अकॉर्डिंग ये दर्शाई जाती है। तो देखिए, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र ई को दर्शाता है, ये के ऊपर लगने वाले बल की दिशा को यहाँ पर अंगूठी के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यदि बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को लंबवत फैलाया जावे तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र देखिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र एक मध्यमा धारा वाही चालक तार की दिशा को प्रदर्शित करे तो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे द्वारा दर्शाई जाती है। देखिए हमारे पास क्या कंडीशन हो गई, यदि बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को लंबवत फैला दें, ठीक, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारावाही चालक के तार की दिशा, तो बल कैसे हो तो शो होने लगता है, अंगूठे के द्वारा शो होने लगता है। इसी को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूँ, जो अनंत धारा वाही चालक तारों के मध्य दो समांतर है लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल। मान लीजिए मेरे पास दो चालक तार है, एक चालक तार ये है, दूसरा चालक तार ये है, ठीक। इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है और इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। ये अनंत लंबाई के हैं, है ना, ऐसे ऐसे वो तो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबाई है इसका। ये पोर्शन मैंने दोनों का L ले लिया है,
दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने डी रख दिया है। जब इस धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो दाएं हाथ के हथेली के नियम से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा V1 अंदर की ओर हो जाती है, ठीक है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए, अगर इसमें धारा प्रवाहित ऐसे हो रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर आएंगी, तो उस पर लगने वाला बल या चुंबकीय क्षेत्र V2 के मान के बराबर होगा। अब क्या कंडीशन होगी, अगर मैं इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम निकालूं, इस चुंबकीय क्षेत्र बी में जो लंबवत है एक धारावाहिक चालक तार को ऐसा रख देता हूं तो बल अंदर की ओर लगने लगता है, ये दोनों चालक, ये वाला चालक तार इसकी ओर खिसक जाता है, ठीक है। और इसमें देखें तो चालक तार के कारण, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 बाहर की ओर है, धारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ऊपर की ओर जा रही है ऐसा, तो लगने वाला बल अंदर की ओर लगने लगता है। इसको मैं F1 से शो कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए V1 बराबर यहां पर ले लूं, ठीक, पहला केस ले लूं, जब धारा एक ही दिशा में रहती, ये फर्स्ट केस हो गया, जब धारा की दिशा कैसी होती है, एक ही होती है, तो V1 बराबर ये कितना जाएगा, नॉट अपॉन 4π, तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसमें, I1 अपॉन A की जगह कितना जाएगा, D के बराबर है। B2 देखिए, B2 ने आपको अनंत धारक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, तो ये बाहर आ रहा है, ये कितना जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π 2 I2 अपॉन D, क्यों, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र धारावाहिक चालक 2 के कारण रखा हुआ। अब यदि इसको मैं AB कर दूं, इसको CD कर देता हूं, अब यदि धारा वही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र V2 में रखा है तो बल F2, इस चालक तार पर लगने वाला बल जो अभी मैंने यहां पर निकाला, कितने के बराबर होता है, I L B, धारा इसमें कितनी हो रही है, I2, लेंथ कितनी है, L, B कितने के इक्वल हो गया, V1, ये कितना जाएगा, I2 L, V1 कितने के बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4π 2 I1 अपॉन D, इसलिए F2 में, चूंकि ये बहुत ज्यादा लंबाई का है इसलिए प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को कैलकुलेट करता हूं, तो F2 अपॉन L कितना जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π 2 I1 I2 अपॉन D, इतना हमारे पास अपना बल लगने लगता है, ठीक है। ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। देखिए इसी प्रकार ये वाला हो तो देखिए
धारा वाही चालक कार AB पर लगने वाला बल, ठीक है, इस पे लगने वाला बल अगर हम निकालें तो F1 बराबर कितना जाएगा, I1 L B2, तो F1 बराबर कितना जाएगा, I1 L B2 कितने के बराबर हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4π2 I2 अपॉन D, इसलिए F अपॉन L भी कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π2 I1 I2 अपॉन D न्यूटन पर मीटर कितना लगेगा, ठीक है। और ये जो बल की प्रकृति होगी, ठीक, इसको हम ऐसा बोलते हैं आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो बल कैसा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि बाहर कैसे हो रहा है, पास पास आ रहे हैं, इसलिए लगता है कि बल कैसे हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, जबकि आकर्षण ऐसा कुछ है नहीं, दोनों अपने आप खिंचके यहाँ पर आते हैं। एक मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक, ध्यान रखिएगा होमवर्क, होमवर्क देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो धारा वाही चालकों के मध्य बल एवं दिशा ज्ञात कीजिए, जबकि धारा की दिशा विपरीत है, एवं समांतर धारा वाही चालक तार, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके रखिएगा, उसको याद से आपको करना है।